रेंज रोवर इवोक SE4 वेरिएंट नवंबर 2018 रजिस्टर्ड ओनर सिंगल UP16 नोएडा रजिस्टर्ड इंश्योरेंस इज वैलिड टिल जुलाई 2023। चारों टायर्स जो है गाड़ी के वो चेंज हो चुके हैं क्योंकि गाड़ी चली है 94,000 किलोमीटर्स विद सर्विस रिकॉर्ड्स। टायर्स हमेवर आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहे हैं, टायर्स के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना है, कॉन्टिनेंटल के टायर्स मिल रहे हैं इसके अंदर हमें। गाड़ी ऑल ओरिजिनल पेंट की मिली है, मुझे सिर्फ एक इसका डोर रीपेंटेड लगा है। रीपेंट भी इसलिए हुआ होगा कि मे बी स्क्रैचेस वगैरह आए हो, बाकी एक्सीडेंटल नहीं है कहीं से कहीं तक गाड़ी। मैंने पीछे से इसका बूट ओपन करके देखा है, आगे इसका हुड ओपन करके देखा है, चारों डोर्स मैंने इसके खोल के देखे हैं, तो दरवाजों पे किसी किस्म का काम नहीं हुआ है। बॉडी लाइन से गाड़ी इंटैक्ट है और इंटीरियर जो है गाड़ी के वो भी काफी नीट एंड क्लीन और काफी अच्छी कंडीशन में है। तो रेंज रोवर इवोक जिसको लेनी है फ्रेंड्स वो जानता है कि क्या चीज है। बेसिकली अगर आप देखोगे 2018 मॉडल के लोगों की आस्किंग प्राइस जो है, कई कई लोग तो मतलब 50 लाख रुपए भी मांग रहे हैं गाड़ी के, बट मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस गाड़ी का जो डील प्राइस है वो 33 लाख रुपीज है, 33 लाख रुपीज में गाड़ी मिल जाएगी। 4 साल 3 महीने पुरानी गाड़ी है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 50% वैल्यू पे आ गई है गाड़ी। सो इन्वेस्टेड कार है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इन्वेस्टर को भी जो जिन्होंने इन्वेस्ट करा है वो भी थोड़ा सा प्रॉफिट रखेंगे, तो 50% वैल्यू पे गाड़ी आ गई है। सो 33 लाख रुपीज उनसे ऑलरेडी नेगोशिएट करके लेकर आ गए, उसके बाद कोई फर्दर नेगोशिएशन नहीं हो पाएंगे। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सामने रेंज रोवर की बैजिंग मिल जाएगी जो कि ब्लैक कलर से पेंटेड है, यस। और यहाँ पे हमें जो ग्रिल मिल रही है ये ग्रे कलर की मिलती है, अगर आप चाहें तो ये भी ब्लैक कलर की हो सकती है। और यहाँ पे कस्टमर ने कुछ धागे वगैरह बांध रखे हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज कि कहीं से ब्रेक है, इट इज़ मे बी बिकॉज नज़र के धागे हैं, उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। रेंज रोवर की सामने बैजिंग मिलेगी, सामने हमें DRLs मिलते हैं इसके और LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। DRLs एक बारी ऑन करके देखते हैं, यस DRLs भी बहुत परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। सामने हेडलाइट वॉशर्स मिलेंगे हमें जो कि बिल्कुल इंटैक्ट है, ये थोड़ा सा अंदर जा रखा है, बाकी वो कवर अप हो जाएगा, कोई इतना मेजर इश्यू नहीं है क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है कहीं से कहीं तक भी, दैट इज फॉर श्योर। फ्रंट से गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, इनफैक्ट कहीं से भी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं मिली मुझे, मैंने अच्छे से चेक करी है। यहाँ पे इसकी फॉग लैंप्स जो है वो भी बिल्कुल इंटैक्ट है, यहाँ पे क्यूबिकल हमें फॉग लैंप्स मिल रही है लंबी, और ये जो फिन्स वगैरह है ये भी बिल्कुल इसके इंटैक्ट है। हेडलाइट और जो सेंसर्स हैं वो भी बिल्कुल इंटैक्ट है, गाड़ी के बोनट बिल्कुल ओरिजिनल पेंट का है 100%। और यहाँ पे जो फिन्स मिल रहे हैं हमें एयर इंटैक फिन्स मिलेंगे विद रेंज रोवर बैजिंग्स। यहाँ पे आप ये जो क्लैडिंग्स देखेंगे ये मेटल पार्ट नहीं होता है रेंज रोवर में, इवोक में ये मेटल पार्ट नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे जो है पीछे आपको मेटल पार्ट नहीं मिलता है, डिजाइनिंग है ये बेसिकली रेंज रोवर के हिसाब से, तो बॉडी के वेट को थोड़ा हल्का रखने के लिए में भी, मतलब ये कंपनी से ही ऐसा आता है, दिस इज नॉट अ मेटल पार्ट, इधर का भी उधर का भी, पीछे हुड का भी और डिग्गी का भी, ये कंपनी से ही इस तरीके की मतलब डिजाइनिंग की गई है ताकि गाड़ी के बॉडी के वेट को हल्का रखा गया है, 2 लीटर के इंजन पे अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके गाड़ी। ब्लैक इसमें अलॉयज मिलेंगे, व्हाइट विद ब्लैक है, और जो इसके राउटर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन है, सस्पेंशन पे किसी किस्म का कोई लीकेज नहीं दिखाई दे रहा है, और जो इसकी यहाँ से व्हील आर्क है वहाँ पे भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। हाउएवर आप चाहें तो इसको पेंट करा सकते हैं जिससे गाड़ी के लुक्स और इन्हांस हो जाएंगे, और यहाँ की क्लैडिंग वगैरह बिल्कुल सब कुछ ठीक ठीक आ रही है। ये वाला डोर हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन बचता है, बिल्कुल साफ साफ बचता है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, इसके ऊपर हल्का सा यहाँ पे एक स्क्रैच देखने के लिए मिल रहा है और कुछ नहीं है, बाकी ये वाला डोर हमारा साफ साफ बचता है, ये वाला डोर बिल्कुल साफ साफ बचता है, ये वाला क्वार्टर पैनल रियर का हमारा बिल्कुल साफ साफ बचता है। कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं, चारों एक ही प्रोफाइल के टायर्स हैं और चारों टायर्स अच्छी कंडीशन में है। 18 इंचेस के अलॉयज आते हैं इसके अंदर, 235 235/60 और 18 इंचेस के अलॉयज हैं, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ ओके है। गाड़ी के जितने मिरर्स हैं ये सारे OEM फिटेड मिरर्स हैं क्योंकि ये ग्रीन टिंटेड आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से आप देख सकते हो। फिर रियर प्रोफाइल पे हम आते हैं गाड़ी की, पीछे हमें डिफॉगर मिलता है और ट्विन हमें यहाँ पे जो है ये मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, ये बेसिकली डिजाइन लुक को इन्हांस करने के लिए है, जहाँ तक मैं इसे देखकर समझ पा रहा हूँ। रेंज रोवर की पीछे बैजिंग मिल रही है, इवोक की बैजिंग मिलेगी, रेंज रोवर लैंड रोवर का लोगो मिलेगा, मोटो फाइंडर की आपको प्लेट मिलेगी हमारी गाड़ियों पे, ताकि हम आपको रिक्वेस्ट कर सके हर बारी के सर चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं करा है तो प्लीज, और वसीम खान 1107 इंस्टा पे पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये वाला क्वार्टर पैनल बिल्कुल साफ साफ बच रहा है हमारा, ये वाला डोर हमारा बिल्कुल साफ साफ बचता है, ये वाला डोर भी साफ बच रहा है और आगे का हमारा क्वार्टर पैनल भी साफ साफ बच रहा है। तो गाड़ी बॉडी लाइन से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ऊपर ब्लैक टॉप मिल रही है हमें। अंदर इंटीरियर्स आपको एक बार दिखाते हैं, इसके अंदर हमें कीलेस एंट्री मिलती है, पॉकेट में की है इसलिए ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है ये। जो रेंज रोवर इवोक के अंदर यहाँ पे जो लेदर राइड मिलता है ये बहुत अच्छा लगता है, इसका टच जो है सॉफ्ट टच लेदर मिलता है हमें यहाँ पे,
क्रोम फिनिश, लॉक अनलॉक के बटन्स मिलते हैं, मेमोरी सीट्स मिल रही हैं, यहाँ पे हमें मिरर्स के कंट्रोल्स वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे फिर लेदर मिल रहा है, ओवरस्टिच्ड है जो कि कहीं से स्टिचिंग कहीं से नहीं उखड़ रही इसकी, कहीं से टॉर्न नहीं हो रही है गाड़ी, फिर यहाँ पे ब्लैक सीट्स मिल रही है, व्हाइट विद ब्लैक इंटीरियर्स है, नीट एंड क्लीन सीट्स है। बस ये एक पैच अगर आप चाहें तो ये आप बनवा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कराना है सीटों पर। जैसी गाड़ी आई है वैसी गाड़ी आप लोगों के पास लेकर आ गया हूँ। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है हमें, इट इज़ नॉट अ सनरूफ बेसिकली, इट इज़ अ मूनरूफ क्योंकि ये खुलती नहीं है। और स्टेयरिंग व्हील जो है मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है हमें यहाँ पे, और ट्रिप्टॉनिक भी आप इसको चला सकते हैं गाड़ी को, और PR&D मोड भी आपको मिलेगा, टच स्क्रीन सिस्टम है। पीछे वाली सीट्स भी आपको एक बार खोल के दिखा देते हैं, डोर खोल के दिखा देते हैं पीछे वाली सीट्स का। सो पीछे वाली सीट्स भी बिल्कुल इंटैक्ट है हमारी, नीट एंड क्लीन है, ब्लैक कलर की है। उसके बाद अब हम इसका एक बारी हुड खोल के आपको इसका इंजन का हुड खोल के दिखा देते हैं, इंजन की साउंड सुना देते हैं और एक गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेके बता देते हैं आपको। हम इस इंटेंट से वीडियोस बनाते हैं कि हमें ये गाड़ी बेचनी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप भी इस इंटेंट से ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी माइनर सी चीज अगर मुझे नजर आती है गाड़ी में तो मैं वो भी बता देता हूँ, इसलिए मैं अनवाइज वीडियोस देता हूँ अपने चैनल पे। यहाँ पे देखिए मुझे बोनट बिल्कुल इसका इंटैक्ट लगा है, कभी इसके नट बोल्ट्स नहीं खुले हैं, सामने बोनट पट्टी वगैरह और साइड के जो फेंडर है वो सब कुछ इंटैक्ट आ रहे हैं, कभी कोई काम नहीं हुआ है गाड़ी के ऊपर। इंसुलेशन भी इसका बिल्कुल इंटैक्ट पड़ा हुआ है अभी तक। 2 लीटर का डीजल इंजन है इसके अंदर, एक बड़ी सेल्फ मार के आपको इसके इंजन की साउंड सुनाता हूँ। उसके पहले मैं आपको इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन एक बार फिर से बता देता हूँ अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो। 2000cc का 4 सिलेंडर एनलाइन इंजन आता है इसके अंदर, 177 bhp जनरेट करता है 4000 rpm पे, और 430 nm का टॉर्क लेती है गाड़ी 1750 rpm पे। 15.6 की एयर है इसकी एवरेज सर्टिफाई करता है, ऑल व्हील ड्राइव है, 9 gear tronic गाड़ी है। अब गाड़ी का सेल्फ मार के आपको इंजन की साउंड सुनाता हूँ। आगे हमें फेदर टच लाइट्स मिल जाती हैं इसके इंटीरियर्स पे, ड्यूल जोन एसी कंट्रोल है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है ऑफ कोर्स, यहाँ पे टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। रेंज रोवर इवोक का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ऑफ कोर्स, मतलब आखिर 60-65 लाख रुपए की गाड़ी है तो कंपनी अच्छा ही देगी। तो ये रेडियो पे इतनी अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, 9 gear tronic गाड़ी है ये, और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह और ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप इसका, आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर का, पार्किंग ब्रेक यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स हैं, ये आप किस मोड में गाड़ी को चलाना चाहते हैं ये सारे ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर एक SUV है ये, मिड साइज SUV है। चारों डोर्स में स्पीकर मिलेंगे और आगे रिट्रैक्टेबल मिरर्स में हमें यहाँ पे ट्यूटर्स मिलेंगे कंपनी फिटेड, और दोनों जो मिरर्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनल हैं। यस, और एक बार फिर से देख लेते हैं, दोनों प्रॉपरली फंक्शनल हैं, चारों पावर विंडोज जो है वो प्रॉपरली अपना काम कर रही हैं, क्योंकि 94,000 किलोमीटर चली गाड़ी है इसलिए ये सब चीज़ें इसकी चेक कर रहा हूँ मैं। कर्टेन जो है वो प्रॉपरली ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, कर्टेन ठीक है, गाड़ी की रूफ वूफ भी ठीक है बिल्कुल। गाड़ी का सेल्फ मारते ही सबसे पहले हमें इंजन माउंटिंग के बारे में पता चल जाता है, तो इंजन माउंटिंग गाड़ी की ओके है, सस्पेंशन भी बिल्कुल कसे हुए लग रहे हैं गाड़ी के, और यहाँ से मैं ये गाड़ी निकालूंगा तो मुझे सस्पेंशन के बारे में और क्लैरिटी हो जाएगी। सर अगर सस्पेंशन ख़राब होते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ख़राब है, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन माय रिव्यूज, सस्पेंशन जो है इसके ठीक लगे हैं मुझे। बाकी एक और पैच है आगे जहाँ पे मैं इसके सस्पेंशन के बारे में मुझे और पता चल जाएगा, और मैं वहीं पर इसको लेकर जाऊँगा गाड़ी को। वैसे 94,000 किलोमीटर्स ड्रिवन कार है, और जिस कस्टमर के पास रही है, काफ़ी अच्छे प्रोफाइल के कस्टमर के पास रही है गाड़ी, तो आई एम श्योर उन्होंने सारा इसकी जो मेजर सर्विस वगैरह वो सब करा ली होगी, और हर गाड़ी की सर सर्विस हिस्ट्री पूरी मेरे पास में ये पॉसिबल नहीं है। देखिए आज तीसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, 3 सर्विस हिस्ट्री कहाँ से निकालूंगा, कंपनी वाले मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर देंगे अगर ऐसे उन्हें डिस्टर्ब करूंगा मैं तो सर्विस हिस्ट्री आपको खुद निकालनी है। मैं आपको इसकी RC शेयर कर दूंगा और आप इसकी सर्विस हिस्ट्री निकाल लें बिल्कुल। और अभी सस्पेंशन पार्ट हम यहाँ पर चेक करेंगे, थोड़ा सा इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा रश हो जाता है, तो मैं अभी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं आपको
इस गाड़ी को बुकिंग करना है तो इसका तरीका आपको बता सकता हूँ सर। आप इस गाड़ी को अगर बुक करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसकी बुकिंग हमारे पास में भेज सकते हैं, उसके बाद आप आए गाड़ी देखें। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो पहले बुकिंग भेज दें। अगर आपको गाड़ी फॉर व्हाटएवर रीजंस नहीं समझ आती है, हम आपकी पूरी की पूरी बुकिंग अमाउंट रिफंड कर देंगे अगर आपने वो बुकिंग मोटो फाइंडर्स को सेंड करी है। तो मोटो फाइंडर आपको अपना अकाउंट शेयर कर देगा, आप उसमें अपनी बुकिंग अमाउंट हमारे पास में भेज सकते हैं। अब हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रफ पैच है और मैं यहाँ पे जानबूझ के गाड़ी को लेकर आया हूँ इसके सस्पेंशन चेक करने के लिए। सस्पेंशन के अंदर मुझे किसी तरह का कोई काम नहीं नजर आया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग सस्पेंशन इसके बिल्कुल ठीक है और गाड़ी के अंदर किसी तरह की कोई चू चू चाचा की भी आवाज नहीं है जैसे नॉर्मली आ जाती है। गाड़ी चलने में मक्खन है और रेंज रोवर इवोक जिसको लेनी है उसको रेंज रोवर इवोक ही लेनी है, उसको कोई और गाड़ी समझ ही नहीं आती है। गाड़ी की ड्राइव बहुत स्मूथ है, मक्खन ड्राइव है। गाड़ी की 0-100 एक्सेलरेशन भी बहुत अच्छे से गाड़ी पकड़ रही है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, हैंडलिंग भी अच्छी, सस्पेंशन भी अच्छे हैं, गियर शिफ्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टीयरिंग वेल बिहेव्ड है गाड़ी का, एसी अच्छे से फंक्शनल कर रहा है, दोनों रिट्रैक्टेबल मिरर्स दिखा दिए, पावर विंडोज बराबर चल रही है, हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन है गाड़ी की। इट्स अ गुड कंडीशन कार और 50% वैल्यू पे मिल रही है। सर अब 50% से भी ज्यादा किसी का क्या डेप्रिशिएट करोगे, मतलब ऐसा कुछ ने गलती थोड़ी कर दी किसी ने फर्स्ट ओनर शोरूम से कार खरीद के कि हम उसकी बिल्कुल ही वैल्यू गिरा दें। 33 लाख रुपीज में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी विच इज अ फेयर प्राइस ऑफ दिस कार। अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप इसका बुकिंग अमाउंट सेंड कर दें और आपको चाहिए तो हम आपको इसकी सर्विस हिस्ट्री आप इसकी निकाल सकते हैं, हम आपको आरसी शेयर कर देंगे, आप किसी भी ऑथोराइज डीलरशिप पे मेल भेज के या फोन करके आप सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आ जाती है बात गाड़ी स्कैनिंग को लेकर। अगर आप गाड़ी स्कैनिंग कराना चाहते हैं, देखिए 2018 मॉडल है, स्कैनिंग कराना आपका फर्ज बनता है, बिल्कुल करवा सकते हैं सर। लेकिन 94,000 किलोमीटर ड्रिवन कार को कंपनी वालों ने काम खर्चे बता ही देने, कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें वो बता देते हैं जिसको कोई प्रूव ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक डिस्क का काम बता देंगे, नहीं सर ये तो करना है तो करना है, या किसी भी चीज का वो एक काम बता देंगे तो वो करना है तो करना है करके वो बता देते हैं। और अगर आप चाहें तो स्कैन भी करा लें, लेकिन स्कैनिंग कराने की सर एक शर्त है कि आपको एक कंडीशनल बुकिंग अमाउंट हमें देना होगा और उसके बाद आप गाड़ी को जो है स्कैनिंग के लिए भेज हमारे ड्राइवर ले जाएंगे। आप जिस ऑथराइज डीलरशिप पे बोलेंगे दिल्ली एनसीआर में रेंज रोवर लैंड रोवर की, वहां पे आप गाड़ी को स्कैन भी करा लें और अगर आपको सर्विस हिस्ट्री से काम चलता है तो सर आप इसकी सर्विस हिस्ट्री निकाल सकते हैं। बाकी इट्स अ गुड कंडीशन कार, 33 लाख रुपीज इज अ फेयर वैल्यू फॉर दिस कार। आई कैन रिकमेंड यू टू बाय दिस कार एट 33 लाख रुपीज, क्योंकि मैंने देखा ऑनलाइन साइट्स पे लोग तो 50-50 लाख रुपए मांग रहे हैं, मतलब मैं देखकर सरप्राइज हो गया, एक ने तो 60 लाख रुपए मांगे हुए हैं। बट ठीक है, लोगों की मर्जी है, कोई कुछ भी मांगता है, वी कैन नॉट फोर्स देम कि ये मांगो या वो मांगो। आप इन्वेस्टेड कार है ये, थोड़ा सा नॉमिनल प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टर भी रखेंगे ऑफकोर्स। यही डायरेक्ट कस्टमर कार होती तो थोड़े से कम प्राइस पे होती, लेकिन ये इन्वेस्टेड कार है तो थोड़ा सा प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन हर कार डायरेक्ट कस्टमर कार आए या हर कार इन्वेस्टेड कार आए सर, इस बात की कोई गारंटी नहीं है हमारे बिजनेस में। आई रियली डोंट नो कल मेरे पास में कौन कौन सी गाड़ियां आने वाली हैं वीडियो की, उनमें से कितनी कस्टमर की हैं, कितनी इन्वेस्टेड है, आई कैन नॉट से एनीथिंग। तो जो आपको गाड़ी लेनी है सर, आपको अपनी गाड़ी ढूंढनी है, या फिर अगर आपको डायरेक्ट कस्टमर कार लेनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है हमें, एसी वगैरह बिल्कुल फंक्शनल है, टिल्टेड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है या मैनुअली ऑपरेटेड है, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है हमें, इसके सारे बटन जो है वो फंक्शनल है, ट्रिप मीटर वगैरह यहाँ से सारे फंक्शनल है, यहाँ से हम इसका क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं, यहाँ से फोन उठाने और काटने के बटन हमें दिए गए हैं। इट्स अ गुड कार, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गुड कंडीशन कार। सो अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।